एक तरफ जहां योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लाख कोशिशें कर रही है, वहीं कुछ प्रशासनिक अधिकारियों की मिलीभगत से अवैध रूप से क्लिनिक चलाए जा रहे हैं, जहां लोगों की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। जिस तरह से सीतापुर की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल, जहां झोला छाप डॉक्टरों की भरमार अवैध रूप से चल रहे हैं क्लिनिक, डॉक्टरों का नाम लेकर घरेलू महिला करती है मरीजों का इलाज, व्हाट्सएप के जरिए भेजी जा रही जांच रिपोर्ट, प्रशासन मौन, लोगों की जिंदगी से किया जा रहा खिलवाड़। आपको बताते चलें, यूपी के सीतापुर की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल नजर आ रही हैं। ताजा मामला सीतापुर के तहसील मिश्रिक का है, जहां अवैध रूप से सीमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, जिसमें डॉक्टरों की लिस्ट तो लगी हुई है, लेकिन देखा जाए तो मौके पर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल में नहीं आता है। उन्हीं डॉक्टरों का नाम लेकर घरेलू महिला मरीजों का इलाज करती है। इतना ही नहीं, व्हाट्सएप के जरिए जांच रिपोर्ट डॉक्टर को भेजी जाती है और डॉक्टर से सलाह ली जाती है। इस तरह से चलाया जा रहा है सीमा हॉस्पिटल, इस तरह किया जा रहा है लोगों की जिंदगी से खिलवाड़। वहीं स्टाफ को भी बिना डिग्री के ही रखा गया है। आखिर कब तक लोगों की जिंदगी से होता रहेगा खिलवाड़? ऐसे में प्रशासन चुप्पी साधे बैठा है। ऐसी स्थिति में यदि मरीज के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है तो आखिर जिम्मेदार कौन? वही इलाज कर रही महिला सीमा ने जिस डॉक्टर की मौजूद होने की बात कही, वे डॉक्टर लखनऊ के, लखनऊ में ही इलाज करते हैं। इतना ही नहीं, वह डॉक्टर तो आयुर्वेद के लेकिन एलोपैथिक इलाज करने की बात कही। सीमा ने बताया कि डॉक्टर व उनके साथ और लोग भी सीमा हॉस्पिटल में आते हैं और इलाज करते हैं। ऐसे में जब डॉक्टर व स्टॉप के बारे में और जानकारी करने पर उन्होंने बात को गोलमोल घुमाते हुए अपनी बात कह डाली। आखिर कब तक होता रहेगा लोगों की जिंदगी से खिलवाड़? क्या यूपी के मुख्यमंत्री का सपना इसी तरह होगा साकार? और यहाँ पे जो डॉक्टर्स वगैरह हैं, किस दिन आते हैं और क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? सर, अभी तो हमारे हॉस्पिटल का उद्घाटन 20 को हुआ है, जिसने माननीय संजय राय के कर कमलों द्वारा हुआ है। अभी जिस दिन से उद्घाटन हुआ, हमारे एक मित्र बीमार थे, उनके उसमें लगे हुए हैं, हैदराबाद से उनको लखनऊ रेफर किया गया। अभी तो हम आके बैठे, अभी हम अपना अस्पताल में अभी कुछ कर नहीं पाए हैं। कितने लोगों का यहाँ पे स्टाफ, जो नर्स वगैरह है, कितने लोगों? अभी तो हमारे पास दो ही लोगों का है, एक ताई रखे हुए हैं। अच्छा। बाकी दो हैं, वो सब इस समय छुट्टी पे हैं क्योंकि मौसम खराब है। दो दिन से गए, उसकी एक डिलीवरी हुई, नेहा जो है उसको बेटी हुई है। अच्छा, ये लोग जो स्टाफ आपने रखा हुआ है, कहीं से कोर्स वगैरह किए हुए हैं? हाँ हाँ, पढ़ाई किए हैं, कोर्स भी मेरी ट्रेनिंग वगैरह किए हैं। ये जो नेहा है, ये यहाँ लखनऊ से किए हुए हैं। जो हमारे पास डॉक्टर जो मुसीब हैं जी, ये तो यूनानी के हैं, आयुर्वेदिक के हैं, आपके यहाँ एलोपैथिक वगैरह चलाया जाता है, ये कैसे? नहीं, एलोपैथ के भी डॉक्टर हैं, आते हैं सर, उनके साथ में आते हैं। और भी लोगों को बुला लेते हैं, और भी लोग आते हैं। अभी मेरे यहाँ ना सीजर शुरू हुआ है ना कुछ, 20 को तो उद्घाटन कराए हैं। अभी इनके मानक के लिए सबसे पहले आपके पास एक बायोमेडिकल वेस्ट होता है, जो भी जैविक कचरा है उसके निस्तारण के लिए आपके पास बायोमेडिकल वेस्ट का मैनेजमेंट होना चाहिए। हॉस्पिटल चलाने के लिए जो आपका जो स्टाफ है, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, वार्ड बॉय हो, स्टाफ नर्स के लिए एनएम या जेएनएम का पूरा प्रशिक्षण होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए। वार्ड बॉय के पास भी पूरा सा प्रशिक्षण या कोई भी सर्टिफिकेट हो जो ये बताए कि वो काम कर सकता है। फार्मासिस्ट होना चाहिए आपके पास, जो दवाओं की जानकारी रखता है, अगर अस्पताल में आपके पास मेडिकल स्टोर उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात है, आपके पास अस्पताल चलाने के लिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर कहीं पर भी डिलीवरी हो रही हो तो उसके लिए कम से कम एक महिला डॉक्टर होनी चाहिए, जो डीजीओ या फिर एमडी गायनो। अगर कहीं पे भी जच्चा बच्चा कहीं पे भी डिलीवरी हो रही है, और अगर सर्जन वगैरह हो रहे हैं, कोई सर्जरी कर रहा है, तो उसके लिए एमएस सर्जन डॉक्टर होना चाहिए मानक के अनुसार। हाल ही में आपके द्वारा एक यहाँ पे सीमा हॉस्पिटल के नाम से आपके द्वारा जाँच पड़ताल की गई थी, क्या खमियाँ नजर आई थी और आपके द्वारा क्या कार्रवाई की? मेरे द्वारा उनको एक पत्र जारी किया गया है सीएमओ साहब की तरफ से, जिसमें जो भी डॉक्टर उनके यहाँ काम कर रहे हैं उनकी अवेलेबिलिटी, मतलब उपलब्धता कितनी है और कौन कौन से डॉक्टर उनके यहाँ आते हैं, इस बारे में उनके द्वारा जानकारी मांगी गई थी, जो अभी उन्होंने उपलब्ध नहीं कराई है और कहा था कि मैं बहुत जल्दी उपलब्ध करा दूँगा।